हाय गाइस, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगी और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। गाइस, टेम्परेचर काफ़ी कूल है तो आप प्लांट के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है गुलदावरी की केयर के बारे में। हाँ तो गाइस, गुलदावरी की जो अर्ली फ्लावरिंग वैरायटीज़ थी उनके फ्लावर्स जो हैं वो अब एक्सपेंड हो चले हैं, मीन्स अब ये डेड हो चुके हैं। ये देखिए, इधर भी आपने देखे थे सैकड़ों की तादाद में फ्लावर्स खिल रहे थे इनमें, और अब ये सभी एक्सपेंड हो चुके हैं। हाँ तो गाइस, हमें अब इन फ्लावर्स को जल्दी से जल्दी हटा देना है। और जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी डेड चीज़ होती है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो अगर आप इन फ्लावर्स को नहीं हटाते हैं तो इन पर भी बैक्टीरिया लग जाएंगे और ये आपके प्लांट को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही आसपास रखे अन्य जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनको भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो वक्त हो चला है कि हम जल्द से जल्द अपने गार्डन के अंदर जितने भी इस तरह के फ्लावर्स हैं उन्हें हटा दें, वरना इन पर एफिड्स और पेस्ट का अटैक हो जाएगा। फर्स्ट तो गाइस, आप चेक कर लीजिए कि कहीं एफिड अटैक हो तो नहीं चुका है। अगर इनके ऊपर मेरे प्लांट्स पर हालांकि एफिड का अटैक नहीं है, एक औध ढूंढने पर कोई एक एफिड, ये देखिए, ये यहाँ शायद एक, आपको ये देखिए, एक ब्लैक एफिड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, बाकी मेरी यहाँ ब्लैक एफिड का अटैक में होने नहीं देती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं सभी चीज़ें ऑर्गेनिक इस्तेमाल करती हूँ अपनी गार्डनिंग के अंदर, फिर चाहे वो पेस्टिसाइड हो या फिर कंपोस्ट। तो चेक कर लीजिए, अगर आपके यहाँ एफिड का अटैक है तो आप उन सभी ब्रांचेस को काट लीजिए और उन्हें किसी थैले में पैक करके दूर फेंक आइए। और जितनी भी येलो लीव्स हैं आपके प्लांट्स के ऊपर, उन सभी को भी आप हटा दीजिए। और अगर आपके इन प्लांट्स के ऊपर किसी तरह का पेस्ट अटैक नहीं है, एफिड अटैक नहीं है, तो फिर आप इन्हें नीचे से 4-5 इंच छोड़ते हुए कट कर दीजिए। आपको दोहरा लाभ होगा। फर्स्ट तो ये जो फ्लावर्स हैं उन्हें आप कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन्हें कट कीजिए और अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। एक महीने के अंदर आपकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की खाद इनसे तैयार होने वाली है। तो देखिए किस तरीके से हम इन्हें कट करें। और दूसरा फायदा ये होगा इन्हें कट करने का कि हमें इनसे एक बार मार्च के महीने में फिर से इनसे फ्लावरिंग मिल सकती है। ये देखिए, ये इस तरीके से आप टहनियों को कट कर दीजिए। ये इस तरीके से आप टहनियां कट कर दीजिए। तो कितना फायदा है, एक तो आपके फर्स्ट तो है आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा, सेकंड आपकी प्लांट पर फिर से फ्लावरिंग होगी,
और थर्ड आप ये फ्लावर्स वाला पार्ट हटाएंगे और नीचे की ये जो डंडी है उनसे कटिंग लगा करके न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीन तीन फायदे हो गए हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिन प्लांट्स से आप दोबारा फ्लावर्स लेंगे वो मदर प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा इसी साल। दोबारा फ्लावरिंग के बाद में वो प्लांट आपका बचेगा नहीं। तो आप ये काम तभी करें दोबारा फ्लावरिंग लेने का जबकि आपके पास इस वैरायटी के एक से ज़्यादा पौधे हो। बहुत सी किस्में होती हैं, बहुत से प्लांट होते हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास एक ही वैरायटी के एक से ज़्यादा प्लांट हैं तो हम ये रिस्क उठा सकते हैं कि कुछ प्लांट्स से हम दोबारा फ्लावरिंग ले लें और कुछ को हम यूं ही छोड़ दें। तो मैं जल्दी जल्दी अपने इन सभी ब्रांचेस को कट कर लेती हूँ, मिलती हूँ इन्हें कट करने के बाद में। हाँ तो गाइस देखिए, ये इतने सारे फ्लावर्स निकल चुके हैं इस एक ही प्लांट से और ये हमारे प्लांट की कुछ कंडीशन इस तरीके से हो गई है। और अब इसके अंदर ये जितने भी जो सूखी लीव्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं तो इन्हें भी हम हटा देंगे और इनका भी जो है हम यूज़ करेंगे कंपोस्ट बनाने में। बहुत ही उम्दा किस्म की खाद बनती है हमारी गार्डन के इस कचरे से। तो कभी भी आप इन पत्तों को फेंकने की गलती ना करें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके इन सूखे पत्तों के अंदर किसी तरह की बीमारी ना लगी हो। अगर इन पर किसी तरह की बीमारी लगी है तो फिर आप इन्हें अपने कंपोस्ट बिन में डालने की गलती कतई ना करें क्योंकि इनकी एग्स जो है वो वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे और जब आप उस खाद का यूज़ करेंगे तो वो आपके पहले से जो हेल्दी प्लांट्स हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा देंगे फ़ायदा करने की जगह। तो मेरे साथ बने रहिए, आप इस तरह की छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का आप अपनी गार्डनिंग में ध्यान रखेंगे तो एक बेहतर गार्डनर आप बन सकते हैं, आपका गार्डन बहुत ही अच्छा बिना किसी मालिक के आप खुद अपने प्लांट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करके एक सुंदर गार्डन बना सकते हैं। गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो ये मैंने सारे पत्तों को हटा लिया है, कुछ पत्ते बच गए हैं, मैं इन्हें भी हटाने वाली हूँ। तो ये सारा काम करने के पीछे एक बेनिफिट और है चौथा, कि ये नीचे से देखिए हमारी जो ग्रोथ है, देखिए यहाँ तो एक फ्लावर भी आ चुका है। तो ये नीचे की जब हम इस तरीके से प्रून करेंगे, इधर ये बड बन रही है देखिए और इधर ये बड खिल भी चुकी है। तो ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे नीचे वाली ग्रोथ को जो है न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा और
ये तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और इसी वजह से हम इनके ऊपर एक बार फ्लावरिंग और ले पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि दो बार फ्लावरिंग लेने पर आप गुलदावरी के प्लांट्स को बचा नहीं पाएंगे। अगर आप इसी मदर प्लांट रखना चाहते हैं तो फिर आप इनसे फ्लावरिंग ना लें, बर्ड्स बनने पर आप उन्हें काट दें। और अगर आपके पास एक ही वैरायटी के एक से ज़्यादा प्लांट है तो फिर आप इनसे अपने कुछ पौधों से एक बार फिर से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने तकरीबन सभी पत्तों को हटा दिया है और हमारे प्लांट्स की अच्छे से सफाई हो चुकी है। ठीक है, अब आपको पॉट बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा। अब हम करने वाले हैं इसके अंदर गुड़ाई। ये लीजिए, ये हमने कर दी इसके अंदर गुड़ाई, लगभग 2 सेंटीमीटर की जो ऊपरी लेयर है हमारी, इसे हमें खुरपी से खोद करके थोड़ा मिट्टी को पोरस कर देना है ताकि नीचे जड़ों को ऑक्सीजन मिल सके और इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ये देखिए, इस तरीके से मिट्टी अगर हार्ड हो जाएगी तो नीचे से जो फुटाव आ रहा है उसे अच्छे से ग्रोथ करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से हमें प्लांट की गुड़ाई भी करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी प्लांट की गुड़ाई हो गई है। अब अगर मौसम यहाँ हमारे यहाँ कोहरे का है या फिर बादल वगैरह हैं तो ऐसे के अंदर कीड़ों का प्रकोप बहुत हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि वुड ऐश का इस्तेमाल करें। मैंने पहले भी बताया है कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ अपनी गार्डनिंग के अंदर। तो वुड ऐश जो है उससे पौधों को फास्फोरस मिलती है, साथ ही हमारी सॉइल जो है वो नरिश होती है। तो ये मेरे पॉली बैग में देखिए, ये लकड़ी को जला करके गुदाश तैयार की गई है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 2 टीस्पून जो है एक प्लांट के अंदर 2 महीने में एक बार अगर आप अपने प्लांट को वुड ऐश दे देते हैं तो इससे आपके प्लांट को फास्फोरस मिलेगा। साथ ही ये आपके प्लांट पर किसी तरह का पेस्ट अटैक भी नहीं होने देगा। इसे आप डायरेक्ट छिड़क सकते हैं या फिर इसे पानी में घोल कर लिक्विड फॉर्म में पानी में घोलें, छानें, स्प्रेयर में भरें और अपने प्लांट के ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आपके प्लांट के ऊपर किसी तरह की बीमारी नहीं लगेगी। तो ये सारा काम जो है अभी हमें गुलदावरी के पौधों के साथ क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसे पानी दे देंगे और 10 दिन के लिए हम इस प्लांट को भूल जाने वाले हैं, क्योंकि अब इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मार्च में जा कर के जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब फिर हमें इसे टाइम टू टाइम जो है पानी देना होगा। तब तक के लिए अगर हम इसे सप्ताह 10 दिन में भी पानी देते हैं तो ये इसके लिए सफिशिएंट है। ये मैंने इसके अंदर वुड ऐश भी डाल दी है। मैंने बताया आप लिक्विड फॉर्म बनाने के अंदर भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर हाथ में इस तरीके से लेकर के वुड ऐश और इस तरीके से आप इसके ऊपर प्लांट के ऊपर यों पत्तियों के ऊपर इस तरीके से आप छिड़क सकते हैं। जो भी तरीका आपको उचित लगे वो आप काम में लें। तो ये थी हमारी गुलदावरी को लेकर जानकारी कि इस वक्त हमें गुलदावरी के प्लांट्स के साथ क्या कुछ करना है। आई होप आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी, साथ ही ये वीडियो जो है आपके लिए मैं सोचती हूँ यूज़फुल रहेगी, जो हमारे न्यू गार्डनर हैं उनके लिए। तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो के लिए ठीक है। तो गाइस अब मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।